मध्य प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर में शुरुआती सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में छिंदवाड़ा भी शामिल था। महाराष्ट्र सीमा से लगे होने के कारण यहाँ तेजी से संक्रमण फैला। अब कोरोना की दूसरी लहर को कंट्रोल करने के साथ ही जिले में तेजी से टीकाकरण किया जा रहा है। अभी तक जिले में 3,10,000 से ज्यादा व्यक्तियों को कोविड-19 का टीका लगाया जा चुका है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोग टीकाकरण को लेकर फैली झूठी अफवाहों को दरकिनार करते हुए टीकाकरण करवा रहे हैं। जिले के ग्राम बोहनाखेड़ी टीकाकरण केंद्र का जायजा लिया हमारे संवाददाता अजीत द्विवेदी ने। पूरे मध्य प्रदेश में कोविड-19 का वैक्सीनेशन जारी है। इस समय हम एक ग्रामीण क्षेत्र में है, छिंदवाड़ा जिले का यह एक गांव है, बोहनाखेड़ी एक गांव है जो कि छिंदवाड़ा जिला मुख्यालय से थोड़ी दूरी पर है। यहां पर ये वैक्सीनेशन सेंटर है, आप देख सकते हैं कि यहां पर वैक्सीनेशन के लिए लोग यहां पर आए हुए हैं। यहां पर पूरी जो व्यवस्था जो है वो वैक्सीनेशन की गई है। यहां पर एक बड़ा हॉल है, वहां पर लोगों को वैक्सीनेशन लगाने के लिए बड़ी संख्या में लोग आए हैं। युवा जो है काफ़ी बड़ी संख्या में आए, जब से 18+ का स्लॉट जो है वो खुला है उसके बाद से बड़ी संख्या में जो यूथ हैं, चाहे वो शहरी क्षेत्र के हों या ग्रामीण क्षेत्र के, वो भी जो है वैक्सीनेशन के लिए वैक्सीनेशन सेंटर में पहुंच रहे हैं। ऑन द स्पॉट जो है वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन जो है वो किया जा रहा है और इसके लिए बहुत ही आसान प्रोसेस है। कई लोग पहले से भी रजिस्ट्रेशन करा के वहाँ पर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर अपना जो है आप कोई परिचय पत्र ला सकते हैं जिसमें आधार कार्ड मूल रूप से आप ला सकते हैं, उसके साथ यहाँ पर ऑन द स्पॉट जो है वो रजिस्ट्रेशन यहाँ पर किया जा रहा है और उसके बाद जो है पूरी प्रक्रिया पूरी करने के बाद यहाँ पर पूरा एंट्री करने के बाद यहाँ पर जो है जो कोविशील्ड जो वैक्सीन है वो यहाँ पर लगाई जा रही है, जो यहाँ पर वैक्सीन जो नर्सिंग स्टाफ है उसके द्वारा। तो इस तरीके से जो है वैक्सीनेशन जो है, ऐसे ही कई ऐसे सेंटर्स हैं पूरे छिंदवाड़ा ज़िले के आसपास के इलाकों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, जहाँ पर कि बहुत ही आसान तरीके से जो है वैक्सीनेशन हो पा रहा है। हालांकि पहले व्यवस्था थी कि सिर्फ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के साथ ही आप वैक्सीनेशन करा सकते थे, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में ये सहूलियत दी गई है कि आप ऑन द स्पॉट जाकर वहाँ पर अपने परिचय पत्र के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और तुरंत जो है 10 से 15 मिनट में जो है ये पूरी जो प्रक्रिया है वैक्सीनेशन की वो बड़ी ही आसानी से पूरी हो जाती है और बड़ी संख्या में लोग इसलिए वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंच रहे हैं। जो युवा है वो यहाँ हमसे बात करते हैं कि किस तरीके से उन्होंने लगवाने आए हैं, किस तरह से मोटिवेट हुए हैं और कितना आसान है वैक्सीन लगवाना कोविड की। हम दूसरे गांव से आए हैं, जब पता चला यहाँ सेंटर में 18+ वालों को लग रहा है तो इसलिए यहाँ पर आ चुके हैं और यहीं पर रजिस्ट्रेशन करवा के तुरंत लगवाया है। यहाँ की प्रक्रिया बहुत आसान है करने की, वैक्सीनेशन लगवाने की, और नहीं लगता कि इसको लगाने से लोगों में जागरूकता आएगी। को फैलाई गई थी वैक्सीनेशन को लेकर, आप उसको किस तरह से देखते हैं और किस तरीके से आप यहाँ पर आए हैं? वो तो सभी का मतलब मन का डर रहता है, बाकी वैक्सीनेशन अपनी सुरक्षा के लिए है। ये तो गांव के कुछ लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं तो उन्हें ये डर है, बाकी युवा लोगों में कोई डर नहीं है वैक्सीनेशन को लेकर। आप बताइए, आप भी आए वैक्सीन लगवाने के लिए, आप लगवा रहे हैं और लोग किस तरीके से मोटिवेट कर रहे हैं और अपने आसपास के लोगों के परिवार के लोगों को बता रहे हैं वैक्सीन कैसे लगाना है, कैसे ऑन द स्पॉट हो रहा है रजिस्ट्रेशन और मोबाइल से रजिस्ट्रेशन हो रहा है, ये बहुत आसान तरीका है जिससे हम वैक्सीनेशन अच्छे से लगा रहे हैं। पहली बात तो मैं कि मेरा तो वैक्सीनेशन पहले हो चुका है, मेरे 3 बेटा बेटी है, इनको बीमारी से बचने के लिए मैंने इनको बोला कि भाई वैक्सीनेशन ज़रूरी है, वैक्सीनेशन करवाएंगे तो ही आप आगे अपना स्वास्थ्य और सब रख सकते हैं। तो मैंने ही अपने घर में मोटिवेशन किया है, मेरे पिताजी और मम्मी को पहले हो गए, सेकेंड डोज लगने वाला है, मुझे भी सेकेंड डोज लगने वाला है। लोग जो है वैक्सीन लगवा रहे हैं उसके बाद उनका क्या रिएक्शन है, क्या महसूस कर रहे हैं, हम उनसे बात करेंगे। आप बताइए, आपने वैक्सीन लगवाया है, किस तरीके से आपने प्रोसेस करी पूरी और कितना आसान था ये और लगवाया आपने, क्या आपको लग रहा है कैसा है? तो मैं यहाँ पे सबसे पहले अपना आईडी कार्ड लेके आई, आईडी कार्ड में वहाँ पे प्रोसेस हुई, उसके बाद फिर मैंने वैक्सीनेशन करवाया, मैम ने मुझे वैक्सीनेशन लगाई, उसके बाद मेरे को अच्छा फील हो रहा है, मेरे को कुछ नहीं हुआ है और मेरे को जब मैं वैक्सीन लगवा रही थी तब मेरे को दर्द भी नहीं है। आपने किस तरीके से लगवाई, क्या पूरी प्रोसेस करी? सर मैंने 5 तारीख को वैक्सीन लगाई इसरो उमरिया में, मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा है और सभी लोग से बोलना चाहता हूँ कि आप लोग भी सब लोग लगाएं वैक्सीन, क्योंकि कोरोना के इलाज तो कोई नहीं है लेकिन वैक्सीन जरूर लगवाएं, वही इलाज है। आप कई लोग भ्रांतियाँ फैला रहे हैं गाँव में कि नहीं लगवाना चाहिए, इस तरीके से कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जैसा क्या है? नहीं, जैसा फालतू है, आप वैक्सीन लगवाइए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। और इससे पहले 1 तारीख के पहले मैंने तो बुक भी किया था, मेरे को शेड्यूल नहीं मिल रहा था, इस कारण मैं वैक्सीन नहीं लगा पाया था, लेकिन आज यहाँ पर बोहनाखेड़ी में महोदय जी ने बताए हैं, सर सचिव महोदय जी ने कि वैक्सीन लग रही थी इस कारण यहाँ लगवाए हैं हमने, उससे कोई
इफेक्ट नहीं है। आपने क्या प्रक्रिया की लगवाने के लिए? मैंने पिन कार्ड लगा के लगवाया हूँ, आधार कार्ड नहीं हो रहा था मेरा, पिन कार्ड लगा के लगवाया, फिर उन्होंने पूरी प्रोसेस करे, उसके बाद मेरे को वैक्सीन लग चुकी है। कितना समय लगा आपको पूरी प्रक्रिया में? मेरे को प्रक्रिया में ज़्यादा ज़्यादा 15 से 20 मिनट लगा है, ज़्यादा नहीं लगा है मेरे को। एक्चुअल में क्या है कि ग्रामीण क्षेत्र में कुछ लोग ऐसे हैं कि डर का माहौल उत्पन्न हुआ, तो कुछ हमारे युवा साथी सामने आए, उसको देखते हुए अब धीरे धीरे गांव में वैक्सीन लगाने के लिए लोग जागरूक हुए हैं, लगाने के लिए तैयार हैं। वैक्सीनेशन लगाने में कोई ज़्यादा इतना कुछ है नहीं लग रहा है, आधार कार्ड वोटर आईडी पैन कार्ड के थ्रू ऑनलाइन यहाँ पंजीयन हो रहा है, पंजीयन होने के तुरंत ही 1 मिनट के बाद वैक्सीनेशन हो जा रहा है। वैक्सीनेशन में कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं है, और मैं सभी जनता से ये कहूँगा कि सभी लोग वैक्सीनेशन कराएँ। जी बिल्कुल, तो जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, अगर हम छिंदवाड़ा ज़िले की बात करें, वहाँ से कुछ दूरी पर बोहना खैरी एक गांव है, और वहाँ पर जो है बड़ी संख्या में जो है 18 प्लस के जो लोग हैं वहाँ पर वैक्सीनेशन के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। कुछ अफवाहें लोग जरूर फैलाई थी लोगों ने, लेकिन वो अफवाहें अपने आप में झूठी साबित हुई है, और जो युवा हैं वो बढ़ चढ़ कर जो है वैक्सीनेशन में शामिल हो रहे हैं। 18 प्लस के जो स्लॉट है वो उसमें जो है लगातार बड़ी संख्या में लोग जो है वैक्सीनेशन के लिए जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो केंद्र हैं, ऐसे ही पूरे ज़िले में कई ऐसे केंद्र बनाए गए हैं वैक्सीनेशन के, वहाँ पर पहुँच के बहुत ही आसान तरीके से जो है अपना वैक्सीनेशन कोविड का करवा रहे हैं। कैमरामैन सिद्धार्थ के साथ अजीत द्विवेदी, DD News, बोना खेरी गाँव, छिंदवाड़ा।